बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम इलाके की तरक्की के लिए, नौजवानों की तरक्की के लिए हम लोगों ने कायम किया है, ताकि हमारे इलाके के नौजवान अपने पाँव पे खड़े हों और इलाके के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। हमारा सोच यही है, हम जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, इलाके की तरक्की के लिए सोचते हैं। हमारे नौजवानों को मंशिया से बचाना है, हमारे नौजवानों को सेहत की तरफ लेके जाना है। हमारे नौजवानों को यहाँ पे एक जिम की ज़रूरत है। हम सूबे वज़ीर मीर अब्दुल्ला बलूच से गुजारिश करते हैं, जितने भी सारे हमारे नौजवान हैं यहाँ पे, हमें बॉडी बिल्डिंग जिम का एक ज़रूरत है, यहाँ पे जिम क्लब लगा जाए और हमारे इलाके के नौजवानों को, बच्चों को, बड़ों को, जो 15 साल के लड़के हैं, 18 साल के लड़के हैं, 25 साल के लड़के हैं, उनको कंप्यूटर लैब चाहिए। आज कल दुनिया में लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑफिस प्रोग्राम, ग्रामर सब इसी कंप्यूटर में। दुनिया बहुत दूर चली गई है मगर हम लोग अभी तक पीछे हैं, क्योंकि हमारे इलाके में एजुकेशन की बहुत सख्त कमी है और कंप्यूटर कोर्सेज की बहुत कमी है। हमारे इलाके के बच्चों को, नौजवानों को कंप्यूटर कोर्सेज की ज़रूरत है। यह इदारा जो हमने अपनी मेहनत से, इलाके के लोगों की ताउन से और रिश्तेदार भविष्य की ताउन से जो काम किया है, हम गुजारिश करते हैं उनसे कि हमारे लोगों को तालीम के लिए एक प्रोग्राम दिया जाए, ताकि ये 10 पलम्बे का जो प्रोग्राम दिया गया है और तालीम के लिए प्रोग्राम दिया जाए, ताकि नौजवानों को कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ पता चले, ताकि यहाँ से अच्छे लोग निकले, एजुकेटेड लोग निकले और डॉक्टर बने, वकील बने और अपने समाज की खिदमत करें, सोशल एक्टिविस्ट बने, सोशल वर्क करें, सोशलिज्म जाने, ह्यूमन रिसोर्सेज को जाने कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, इंसानियत क्या बना है। इसके हवाले से जो है हम लोग ये प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। अभी खुदारा साहब कुछ कहना चाहे, खुदारा बलोच बहुत बोले, क्या कहना चाहेंगे इलाके के लिए? सर इलाके के लिए क्या कहें, अभी सब कुछ तो कह दिया है आपने। जी जी, ये सब चीज़ें की ज़रूरत है हम लोग, बिजली की जरूरत, बिजली की पूरा बिजली तो वैसे ट्रांसफार्म रोड वालों सब कुछ की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, हमारी माँ बहनों के घरों के अंदर जो प्रोग्राम, उनके पैसे की जरूरत है, ताकि छोटा कारोबार, अभी चिंग-चिंग की किसकी जरूरत है, सब बेरोजगार है, सब सब आता करा कर, सबको चिंग-चिंग का जरूरत है ना, सबको जरूरत है, हाँ सब लोगों को जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, किधर जाए। सही बात है, अभी आप मुलाजिम नहीं हो ना? नहीं है बिल्कुल। और जब आप कुछ कहना चाहेंगे, और जब का शॉट लेना सिखाने, ये पारे को कि हम दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
خدمت کرنا ایک ایسی عمل ہے جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو انسانوں کی خدمت کرے۔ یہ روڈ خراب تھا، یہاں پہ گٹر کے جو پانی ہے اور روڈ پہ جا رہا تھا، اور روڈ سے یہاں سے نمازی لوگ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، تو لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یار 10-15 منٹ کا کام ہوگا، اور ایک دو چیز چاہیے، بیلچہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں پہ تھوڑا مٹی لینا ہے، رستے کو پانی کا بند کرنا ہے، جو پانی کا راستہ جو جاتا ہے سڑک پہ اس کو میں نے بند کیا۔ وہاں پہ میں نے ایک بلڈوزر بھی منگوایا چھوٹا والا، اس پہ میں نے وہ جو گٹر کا پانی میرے روڈ پہ جمع تھا علاقے کے لوگوں کے، وہاں بھی میں نے اس کو بھر دیا، صاف کیا۔ میں نے اس کا ویڈیو بھی بنایا، آپ لوگوں کو دکھایا، ابھی یہ کمر کر رہا ہوں۔ یہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس کو ہم کر کے خدمت خلق کے تحت۔ ہمارا آرگنائزیشن کا کوشش بھی یہی ہے، میں بحیثیت پریزیڈنٹ خود کچھ کروں، لوگوں کو دکھاؤں، تب لوگ کچھ کریں گے۔ جب تک میں کچھ نہیں کروں گا تو لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے خود کو عمل کرنا ہے۔ کہکشاں سوشل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کا پالیسی بھی یہی ہے، ہم ڈونروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فنڈ دیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں فنڈ دیا جائے، تاکہ ہم اپنے علاقے کے جو سروس کے نظام ہیں، جو روڈ کے نظام ہیں، ان کو بہتر کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش بھی یہی ہے، میں نے اس پہ 3 سیٹ اپ بنائے، ویڈیو کے 3 سیٹ اپ میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ پہلا سیٹ اپ میں نے اپنے علاقے کے نوجوانوں کے ساتھ میٹنگ کی، پھر وہاں سے میں نے ان کو سمجھایا کہ ہمیں اور